स्टडी गिवन होती है। केस स्टडी में क्या गिवन होता है कि एक ऐसे ऐसे कंपनी है, उसके इतने यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हमें आपस में कनेक्ट करना है। हमें ये दिया जाता है कि उन कंपनीज में जो कंप्यूटर्स हैं उसके बीच में क्या क्या डिस्टेंसेज हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द डिस्टेंसेज वी गेट कि आपके पास उसमें कितने कितने कंप्यूटर्स हैं, एंड देन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एज यूजल ये क्वेश्चन है कि ट्राइन टेक कॉरपोरेशन इज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी। द कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप देयर न्यू ऑफिस इन इंडिया विद इट्स hub at Hyderabad. As a network advisor, you have to understand their requirements and suggest them the best available solution. The queries are mentioned below. What will be the most appropriate block where TTC should plan to install their server? Very typical question and very typical answer ki jahan par sabse zyada computers hai, kisme hai sabse zyada computers? फाइनेंस में। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हमारी फाइनेंस बिल्डिंग में है, दैट मीन्स कि आपका सर्वर जो है वो प्लेस होना चाहिए फाइनेंस बिल्डिंग में। तो पहले वाले का आंसर है सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन फाइनेंस बिल्डिंग एंड द जस्टिफिकेशन इज एज पर 80-20 रूल इफ वी प्लेस द सर्वर एट द प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स प्लेस्ड हैं तो सर्विसेज फास्टर वे में अवेलेबल होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिस पेपर आई हैव टेकन फ्रॉम mycbseguide.com वेबसाइट, तो आप वहाँ से जाकर कितने भी पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। दैट साइट हैज़ ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, ऑफ प्रीवियस ईयर्स, अलॉन्ग विद दैट सैम्पल पेपर्स भी हैं। तो बहुत सारे पेपर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। मैं तो आपको यहाँ प्रोवाइड कर ही रही हूँ, बट डायरेक्टली अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप mycbseguide.com पे जाकर इन पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसका आंसर है फाइनेंस। दूसरा है ड्रॉ अ ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट आर द बिल्डिंग्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर में एक सिंपल मैनर तो होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उसको बाकी दोनों के साथ लिंक कर दो। तो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, सर्वर भी वहाँ पर है, उसको मैंने कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन के साथ लिंक कर दिया और ये जो अरेंजमेंट बना इसको हम कहेंगे स्टार। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी, राइट। सो वन मार्क इसका मिल गया, दो मार्क्स आपके पक्के हो गए। इसमें आप चाहो तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव देख सकते हो कि जिसमें केबल सबसे कम चाहिए हो। सो अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस को क्लिक करूँ तो 40 मीटर चाहिए और फाइनेंस को कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे अगर मैं इस वे से भी करूँ कि डिस्टेंस सबसे छोटा हो तो भी आपका यही लेआउट बनता है कि फाइनेंस को ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी करो, फाइनेंस को कॉन्फ्रेंस के साथ भी करो। सो एज पर दी केबल ऑल्सो मिनिमम केबल लेंथ के अकॉर्डिंग भी आपका यही लेआउट बनता है। सो बोथ वेज से एक ही लेआउट है जो हमारे पास बेस्ट है। तो यहाँ पे बस की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ बस बन ही नहीं रहा है क्योंकि इसी स्टार वाली में ही मिनिमम केबल लेंथ भी है और फास्टर एक्सेस भी है। दोनों बेनिफिट आपको इसी लेआउट में मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the best possible connectivity out of the following, right? You will suggest to connect the new setup of offices in Bangalore with its London based office. ab hamara office hai Bangalore mein aur uska head office kahan hai? London mein. aapko use connect karna hai, aapko kaha ja raha hai ki best possible connectivity batao. ab best possible connectivity kaise batayenge hum? how would we give the best possible connectivity? सो बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी ऑब्वियसली इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे वायरलेस होगी, और कौन सी होगी वायरलेस में से भी? सैटेलाइट। इंफ्रारेड से तो टीवी एसी के रिमोट्स चलते हैं, है ना। लंदन से बैंगलोर तक डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, दे कांट पास थ्रू एनी हार्ड ऑब्स्टेकल, दीवार से बाहर ही नहीं जाएगा वो। एथरनेट केबल इज द सबसे सस्ती वाली कॉपर वायर जो आपके एथरनेट केबल जो लैंस में यूज़ होती है। सो हम तो वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, सो एथरनेट का मतलब ही होता है लैन, सो इट्स नॉट यूज फॉर दैट। सो आंसर इज सैटेलाइट लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट बाई यू टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। हर यूनिट के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर आपको कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो कौन सा डिवाइस चाहिए होगा इसमें से? स्विच, मॉडेम या गेटवे? सो आंसर इज स्विच, क्योंकि आपको इस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, स्विच की हेल्प से होंगे, ये भी स्विच की हेल्प से होंगे और ये भी स्विच की हेल्प से होंगे। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, वो तो आजकल सारे कंप्यूटर्स के अंदर कार्ड में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जिसका काम क्या है? डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करना और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना।
एंड गेटवे क्या होता है? गेटवे इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स. डिसिमिलर मतलब जिनका प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, टोपोलॉजी डिफरेंट है, ये उनको भी आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है. दैट इज कॉल्ड गेटवे, राइट? सो दैट इज इट. सिंस ये एक प्रीवियस ईयर पेपर में से लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें चार ही पार्ट्स हैं. नॉर्मली आपको अब जो आएंगे वो पांच क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन द फाइव मार्क सीरीज. तो मान लो इसमें एक और क्वेश्चन कहा जाता कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इफ ऑल दीज थ्री बिल्डिंग्स आर कनेक्टेड इन द बैंगलोर ऑफिस. अगर ये तीनों बिल्डिंग्स हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू एनी ऑफ द टोपोलॉजी, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा? लैन, मैन या वैन? डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर्स में, सो 110 मीटर, 40 मीटर, 80 मीटर. तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि अगर मैं अपने बैंगलोर वाले सारे यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती हूँ तो वो क्या बनेगा? क्या वो लैन होगा, मैन होगा या वैन होगा? सो इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट्स में. मैं नहीं बता रही हूँ, मैं कमेंट्स में ही बताऊँगी आंसर सही है या गलत है. आई होप अब आपको नेटवर्क्स वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ गए हैं. इन केस कोई भी डाउट है नेटवर्क वाले क्वेश्चन में, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट एज वेल. अदरवाइज आप मेरी लाइव क्लासेस